थे यहाँ पे, मुझे एक्चुअली मैक्स से कुछ काम था। तो दोस्तों कल अचानक से बारिश आ गई थी और मौसम काफी सुहाना हो गया था, तो ये देखिए इतनी आंधी आने के बाद भी फ्लावर टिके हुए हैं। कल बहुत तेज आंधी आई थी, उसके बाद बारिश भी बहुत कसके हुआ था, पर फ्लावर टिके। इतनी खुशबू है ना इस फ्लावर्स में। तो ये आप देख सकते हैं पौधा, आपको मैं दिखाती हूँ पत्तों को। ये सारे पत्ते इतने शाइन कर रहे हैं, जैसा लग रहा है इसमें ना ऑयल लगाया गया है, इतने शाइनिंग कर रहे हैं। आपको भी दिख ही रहे होंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और बस हमारी तैयारी शुरू हो गई है जाने की। तो एक्चुअली दो दो फंक्शन है, उस फंक्शन में मुझे जाना है, अटेंड करना है फंक्शन, तो उसी की तैयारियां चल रही थी। तो बस गिफ्ट वगैरह ले लिया है हमने। तो अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, थोड़ा घर का कुछ काम था तो कुछ सामान भी लेना था, तो वो सामान भी लूँगी और उसके बाद घर आके पैकिंग करूँगी जो गिफ्ट्स लिए हैं सबके लिए। तो बस ये काम मेरा रह गया है गिफ्ट पैकिंग का, उसके बाद से फिर पूजा में जाना होगा। एक्चुअली पूजा ही है, तो वो आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में कि किस चीज़ की पूजा है। तो यहाँ बेसमेंट से मैं जा रही हूँ और धूप तो बहुत ज़्यादा है, किसी भी दिन निकलना नहीं हो पा रहा है। थोड़ा सा पार्लर भी जाना है, इस चक्कर में भी मैं आज बाहर आई हूँ। और ज़्यादा कुछ तो नहीं कराना है, लेकिन हाँ थोड़ा सा थ्रेडिंग वगैरह करवाऊँगी। तो बस इसी चक्कर में मुझे आज निकलना पड़ा है, शाम को क्लास है तो निकलना नहीं हो पाएगा। और कल बहुत बारिश आ गई थी, तो शाम का भरोसा नहीं है कब बारिश आ जाए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी हम मार्केट आ चुके हैं, ये आप देखिए। मुझे एक्चुअली मैक्स से कुछ काम था, तो मैक्स सबसे नज़दीक मेरे घर की यही है और बाकी तो सब दूर दूर। तो 11 o'clock के आसपास शॉप खुल जाती है, तो धूप आप देखिए कितनी तेज है 11 बजे। तो यहाँ पे जो बाहर स्टॉल लगते हैं वो अभी तक बंद ही हैं, खुले नहीं हैं। और मैं अंदर पहुँच गई हूँ, तो बस मैं मैक्स जाऊँगी, वहाँ मुझे कुछ काम है, वहाँ करके मैं सीधे घर वापस आऊँगी। और अब शाम हो चुकी है तो मेरी क्लास स्टार्ट हो गई है, जैसा कि मैंने पहले भी अपने ब्लॉग में आप लोग को बताया ही है। तो यहाँ क्लास चलेगी 2 घंटे और उसके बाद मैं अपना और जो बचा हुआ काम है वो करूँगी। टाइम बिल्कुल भी नहीं है मेरे पास और टाइम मिलता भी नहीं है, पूरे दिन मैं बिज़ी ही रहती हूँ। तो बस ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। तो यहाँ पे पैकिंग स्टार्ट हो गई है, डॉटर साथ में पैकिंग कर रही है और मैं भी पैकिंग करूँगी। तो हमने बच्चों के लिए गिफ्ट जो लिया था, अब उसकी मैं पैकिंग कर रही हूँ। और ये एक चादर है पिंक कलर का, तो ये बच्चों के रूम में बिछेगा। और एक ये गिफ्ट है, और यहाँ पे मैं भी पैकिंग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि एक आदमी करेगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो मैं और मेरी डॉटर हम दोनों मिलके यहाँ पे सारे गिफ्ट पैक कर रहे हैं, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं बचा है। सुबह उठते ही एक तो वोट देने जाना है, फिर उसके बाद फिर हम लोग पूजा के लिए निकलेंगे, तो टाइम बिल्कुल नहीं बचा है। धीरे धीरे करके ही हमने सारा कुछ किया है, इकट्ठा तो कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम मिलता गया वैसे वैसे मैं सब कुछ लेती गई। और साथ ही घर में भी आपने देखा है कि बहुत सारे मेरे वर्क हैं, तो क्लासेस हैं वो तो एक करना ही करना है, प्लस घर के भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, वो भी करना इम्पॉर्टेंट ही है। तो बस यहाँ पे मेरी पैकिंग चल रही है, सब पैक करके फिर मैं एक जगह रख दूँगी। एक्चुअली पूजा सुबह 8 बजे ही स्टार्ट हो जाएगी, तो 8 बजे तो मैं नहीं पहुँच पाऊँगी, क्योंकि यहाँ वोट भी देना है और साथ ही जाने में कम से कम नोएडा से गुड़गांव 2 घंटे लगते हैं। ट्रैफिक नहीं रहा तो जल्दी पहुंच गए, और ट्रैफिक रहा तो फिर 2 घंटे तो लगने ही हैं। तो बस एक जगह सामान रहेगा तो फटाफट उठा के चलते बनेंगे, वरना जल्दीबाजी में होता है कि सामान छूट गया। तो वहाँ पे मम्मी लोग भी आई हुई हैं, मेरी तीनों भाभी लोग इकट्ठी होंगी और मेरी सिस्टर, तो सारी फैमिली, सभी लोगों की फैमिली आ रही है।
तो मज़ा तो बहुत आने वाला है। और उन्हीं के बच्चों के लिए मैंने थोड़े गिफ्ट्स भी ले लिए हैं क्योंकि बच्चे हैं तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गिफ्ट मेरा पैक हो चुका है और छोटे छोटे गिफ्ट जो हैं वो पैक होने बाकी हैं। तो ये जो गिफ्ट जाएगा ये पूजा में जाएगा, ये दोनों गिफ्ट, और वो जो गिफ्ट है वो बच्चों के लिए है। तो यहाँ मैं नीचे आ गई थी टहलने के लिए। तो दोस्तों आप ये देखिए, हमारे सोसाइटी में पोलिंग बूथ बनाया गया है, तो ये है पोलिंग बूथ। इस बार मुझे कुछ नया दिखाई दिया कि सोसाइटियों के बीच भी पोलिंग बूथ बना दिया गया, ये बहुत अच्छा हुआ। कम से कम बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं होगी, जगह जगह लोग वोट दे सकेंगे। एक बात ये अच्छी हो गई कि कम से कम लोगों को ज़्यादा मुशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी और भीड़ भी इकट्ठी नहीं होगी। ये तो पहले तो बहुत कम जगह में लगा दिया जाता था पोलिंग बूथ, और बहुत सारे सोसाइटियों के लोगों का एक ही जगह पोलिंग बूथ हुआ करता था जिससे भीड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठी होती थी और सुबह से शाम हो जाता था नंबर आते आते। पर ये करके बहुत अच्छा कर दिया गया है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों तो ये मैंने फ्रूट ले लिया है मिक्स, कल ले जाना है। तो मैं जाऊंगी कल 26 तारीख है और कल सुबह सुबह ही मैं निकल जाऊंगी। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमें लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।